19 नवंबर 1917 को जन्मी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमेशा अपनी बात और कठोर फैसलों को लेकर वो जानी जाती थी। नेहरू परिवार में जन्मी इंदिरा अपने परिवार की इकलौती संतान थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह करने के बाद मिला था, जो कि भारत के एक पारसी राजनेता और मशहूर पत्रकारों में से एक थे। सन 1942 में इंदिरा गांधी का विवाह हुआ था। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने चेहरों में से एक थे और वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। लेकिन उस समय भारत की धड़कनें मानो रुक सी गई थी जब 27 मई 1964 की दोपहर 2:05 पर रेडियो के जरिए ये घोषणा हुई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया है। नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता संभाली थी, लेकिन उनकी भी 11 जनवरी 1967 को उज्बेकिस्तान में मौत हो गई थी। इसके बाद सभी के मन में और दिमाग में ये सवाल घूमता रहा कि आखिर भारत का अगला प्रधानमंत्री अब कौन होगा। तो देखा जाए तो अगले प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी ने संसदीय नेतृत्व का चुनाव कराया था, जिसमें अपने प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को हराते हुए इंदिरा गांधी ने सियासत अपने हाथों में ले ली थी और वो 19 जनवरी 1967 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कई बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा कहां किसी की सुनने वाली थी। उन्होंने अपना काम अपने हिसाब से किया और साथ ही काम भी उन्होंने ऐसे किए जिसके बाद उन्हें काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश में बदलने के लिए उनका काफी ज्यादा योगदान रहा था। 1971 की अगर हम बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए इंदिरा गांधी ने बंगाली आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। 10 लाख पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में शरण दी थी और साथ ही 1971 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान पर भारत ने जीत हासिल कर बांग्लादेश का निर्माण कराया था। लेकिन कई काम इंदिरा गांधी ने ऐसे भी किए थे जिसके बाद राजनीतिक गलियारों समेत कई जगहों पर उनकी आलोचना होने लगी। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने की बजाय 25 जून को आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी और उस समय को आतंक का शासन कहा जाने लगा, क्योंकि पीएम ने उन अधिकारों का भी हनन करना शुरू कर दिया था जिनकी संविधान गारंटी देता है और अधिकांश लोगों को तो बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाने लगा। और अपनी स्वतंत्रता से परेशान जनता ने मार्च 1977 में अगले आम चुनाव के दौरान जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया, जिसके बाद एंट्री होती है मोरारजी देसाई की। लेकिन देखा जाए तो कुछ ही समय में लोकतंत्र बहाल हो गया और देश में गंभीर गरीबी का संकट मंडराने लगा, जिसके बाद 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने नई पार्टी के साथ, जिसका नाम था कांग्रेस आई, उसके तहत प्रचार किया और साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर सामने आई। 1984 की अगर हम बात करें तो पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर अपने अलग राज्य की मांग करने वाले सिख चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था, जहां आयरन लेडी ने मंदिर को वापस से प्राप्त करने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा और देखते ही देखते गोलाबारी में सैकड़ों सिख मारे गए थे, जिससे सिख समुदाय के भीतर विद्रोह की आग भड़क उठी और इंदिरा गांधी को उन्हीं के दो भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनके घर के बाहर मौत के मुंह धकेल डाला।